नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं संतोष यादव, बिजनेस कंसल्टेंट, और आज मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली में, न्यू दिल्ली। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नए नए स्टार्टअप को लेकर के, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए मैं काम करता हूँ खास करके। तो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूँ एक ऐसे बिजनेसमैन के पास, एक ऐसे इंडस्ट्री में जहां पे मशीनरी का काम होता है, स्पेशली फॉर मशीनरी। मीन्स आप अगर स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो कोई मशीन बनवाना चाहते हैं तो आप कैसे बनवा सकते हैं, तो आज मैं डायरेक्टली बिजनेसमैन के साथ बात करूंगा और आप सबको मैं बताऊंगा इन्फॉर्मेशन। और मशीन कैसे, किस टाइप का, कितने प्रकार का मशीन बनाती है ये इंडस्ट्री, मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ डायरेक्टली आपको फैक्ट्री में। जैसा कि अभी प्लास्टिक आइटम यहाँ पे ज्यादातर, प्लास्टिक जो कि फाइबर चेयर हो गया या जो प्लास्टिक के दाने बनते हैं जिसमें बहुत सारे आइटम आजकल प्लास्टिक का बन रहा है, तो उसका जो दाना तैयार होता है उससे जो पहले मशीन जो बनता है, जिस मशीन से वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका मशीन यहाँ पे तैयार होता है। तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको फैक्ट्री लेके चलता हूँ। तो ये है दोस्तों फैक्ट्री का फ्रंट गेट, मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ फैक्ट्री के अंदर। तो ये है मेन, अभी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये आप देख सकते हैं डायरेक्टली। ये सभी लोहे का पूरा सेटअप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये प्रॉपरली मशीन अभी ये तैयार हो रहा है। ये बैरल है पूरा का पूरा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं अंदर जो लोग काम कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम है कुमार प्लास्ट इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में है, और न्यू दिल्ली के अंदर जो प्रॉपर लोकेशन है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बहुत ज़्यादा अंदर शोरगुल आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा वॉइस में आपको मेरा वॉइस कम सुनाई दे रहा होगा। ये पूरा प्रॉपर आप देख, ये आप देख रहे हैं ये सभी मशीनें चल रही हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद अब मैं बात करूँगा डायरेक्टली ऑनर से। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया फैक्ट्री का लुक, और जो अभी काम आप देख रहे थे कि लगातार मशीनों पर काम चल रहा है, और अभी मैं बैठा हूँ सर के साथ ऑफिस में जो कुमार प्लास्ट इंडिया के डायरेक्टर हैं। तो मैं आपसे डायरेक्टली सर से मैं मिलाता हूं और आपको मैं गुड न्यूज़ बता दूं कि अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आप चाहें तो मशीनरी का ऑर्डर आप डायरेक्टली इस कंपनी के साथ कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने से हैं आप, किसी भी स्टेट से हैं, डजंट मैटर, हर जगह सर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्विस और क्वालिटी। तो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा सर का डिटेल, पहले जानते हैं फिर मैं आपको बताऊँगा किस किस प्रकार का मशीन यहाँ से मिल सकता है आपको। कुछ इन्फॉर्मेशन सर से भी मैं पूछूँगा। तो ये आप देख रहे हैं, और ये हैं अरुण जी जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, अरुण सर, जो न्यू दिल्ली में, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बताइए सर, हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या स्टार्टअप किए हैं थोड़ा सा बताइए अपने मशीनरी के बारे में, अपने फैक्ट्री के बारे में। नमस्कार सर जी। मशीन आप हमारे यहाँ से कोई सी भी ले सकते हैं, प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट। ओके। प्लास्टिक रिसाइकिलिंग प्लांट जैसे ABS हो गया, PP हो गया, SD हो गया, LD हो गया, HIPS हो गया, okay. किसी भी रॉ मटेरियल को रिसाइकिलिंग प्लांट करने का प्लांट हम बनाते हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसको आप मतलब स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा काम है, आप आगे कर सकते हैं इसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल है सर, जैसे व्यूअर्स का कहना होता है कि सर कितना मिनिमम खर्चा लगेगा, तो अगर आपसे कोई मशीन बनवाना चाहे, कोई ये स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो मिनिमम कितने खर्च का आपके पास मशीन है सर, मिनिमम कितना पूंजी इन्वेस्ट करना है? सर 5 लाख से 25 लाख तक मशीन मिलती है। ओके। जैसे कि अगर कोई बड़ी ये स्टार्टअप करना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई किसी का बजट ही 5 लाख का है सर, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे, वो कितना में मिनिमम आपसे मशीन ले सकता है? मिनिमम सर 5 लाख से हमारा मशीन शुरू हो जाता है। ओके। इससे आप काम शुरू कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद सर। सर जैसे अभी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है, तो प्लास्टिक की जो दाना तैयार होता है, वो बेसिक जो दाना तैयार होता है सर, उसका क्या मार्केट में डिमांड है?
इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है सर। करिए जितनी मोल्ड प्लास्ट होती है, मोल्डिंग बनी होती है, जैसे बाल्टी हो गया, जग हो गया, ड्रम हो गया, ये मोबाइल कैबिनेट हो गई, या पंखे का ब्लेड हो गया, जितनी आजकल सारी मोल्ड सिस्टम चल रही है, उसके लिए दाना चाहिए ही चाहिए। धन्यवाद सर। तो हमारे व्यूवर्स को इतना बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जान रहा था सर से ये डिटेल, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा का पूरा। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सर का नंबर और सर के साथ अभी जो भी हमारी वार्तालाप हुई पर्सनली भी हमने डिस्कस किया। यहाँ जो मशीन की क्वालिटी है ना सर, आज की डेट में जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐड आपने देखा होगा, लेकिन रियलिटी में जब क्वालिटी का बात आता है तो पता चलता है कि यार मशीन हमने बनवाया तो था लेकिन कुछ ही दिनों में प्रॉब्लम आ गया। हमने सर से जब पर्सनली बात किया तो पता चला यहाँ पे कि इनका जो सर्विस है ना बड़े कमाल का है। इन्होंने यहाँ से गुजरात में भी मशीन भेजा है, इन्होंने बिहार में भी मशीन लगा रखा है, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, अलग अलग राज्यों में, और इनका सर्विस हमने देखा। स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये खुद पर्सनली फ्लाइट बुक करके बाय एयर वहाँ पहुँच जाते हैं सेम डेट में। तो आप बताइए हमें कि अगर आप एक स्टार्टअप किए हुए हैं और शुरू में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है और इतना सर्विस मिले तो कितनी अच्छी बात है। तो दोस्तों पूंजी तो हर जगह खर्च होता है, लेकिन सर्विस की जहां बात आती है ना वहां पे लोग स्टाफ भेज देते हैं और ये एज अ ऑनर खुद अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं फैक्ट्री, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो सर के बारे में डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर भी दे दूंगा, जरूर आप जाइए विजिट करिए, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। कुछ फोटोज भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ अपने इस YouTube चैनल पे, और अगर आप हमें वीडियो अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो जरूर जाके फॉलो करिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर हमारे साथ समय देने के लिए सर।